हेलो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक टाइप्स ऑफ किडनी पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग फिशेस के बारे में पढ़ रहे थे, मींस हम ने इससे पहले ऑस्ट्रेकोडर्म, फिर साइक्लोस्टोमेटा, उसके बाद जो है आपका नेथोस्टोमेटा का एक क्लास प्लैकोडर्म जो कि एक्सटेंड क्लास है, तीनों क्लासेस के बारे में हमने स्टडी कर लिया। नाउ द नेक्स्ट क्लास इज कॉन्ड्रिक्थिस। अब हम कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ड्रिक्थिस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा किडनी को इसीलिए देख लें, टाइप्स ऑफ किडनी के बारे में, क्योंकि वहाँ पे कई सारे टर्म्स आएंगे आपके कि जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, मींस प्लैकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म, तो उसमें जो किडनी का टाइप था वो प्रोनेफ्रिक था। उसके बाद आपके जो भी आपकी कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज आएंगी, ऑस्ट्रिथिक्स फिशेज आएंगी, और उसके बाद एम्फीबिया क्लास आएगा, उसमें आपका मेसोनेफ्रिक टाइप किडनी पाई जाती है। और आफ्टर एम्फीबिया अगर हम बात करें तो आपका रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन सब में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। तो मैंने डिसाइड किया कि फर्दर हम क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा किडनी को यहाँ पर देख लें। हमने यहाँ पे आपको किडनी के डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताया है, बल्कि टाइप्स ऑफ किडनी के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोनेफ्रिक किडनी, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किडनी इज दैट इट हैज द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स विच फिल्टर द प्लाज्मा एंड ब्लड एंड रिकवर द सल्यूट इन द बॉडी फ्लूइड। हम लोग के जो भी ब्लड है, प्लाज्मा है, उससे ये लोग जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो है रिमूव कर देते हैं। वेस्ट मटेरियल इन द सेंस ऑफ, अगर हम बात करें, हमने जो भी आपका अमीनो एसिड के फॉर्म में, हम लोगों ने प्रोटीन के फॉर्म में जिस चीज़ को खाया हुआ है, प्रोटीन का कंटेंट अमीनो एसिड के फॉर्म में टूटता है। एंड आफ्टर दैट अमीनो एसिड में जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, वो नाइट्रोजन कंटेंट आपका जो है नाइट्रोजन प्रोडक्ट के रूप में फिर बॉडी से बाहर आता है। तो जब मैं आपको जो है क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगी, प्रोटोजोआ ये सब, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वो किस किस फाइलम में पाया जाता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है आपका, वो ब्लड से रिमूव कर दिया जाता है किडनी के द्वारा। और किडनी में भी स्पेसिफिक आपका जो है स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन, जिससे हम लोग उसको रिमूव करते हैं। अगर हम हायर एनिमल मैमल की बात करेंगे तो आपका मैमल्स में डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले प्रोनेफ्रिक किडनी बनती है, देन वो आपकी डीजनरेट हो जाती है, एंड आफ्टर डीजनरेटिंग द मेसोनेफ्रिक किडनी इज फॉर्म, एंड आफ्टर डीजनरेटिंग द मेसोनेफ्रिक किडनी फाइनली मेटानेफ्रिक किडनी फॉर्म इन द एम्ब्रियो, ठीक है। और वो फंक्शनल आपकी एडल्ट में मेटानेफ्रिक किडनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं आपका प्रोनेफ्रिक किडनी से मेसोनेफ्रिक किडनी का और फिर मेटानेफ्रिक किडनी का फॉर्मेशन होता है, अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें अप टू बर्ड्स और मैमल्स की बात करें। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को अपने स्टार्ट किया, ठीक है, आपका हम जो है एग्नेथा ग्रुप से बात कर रहे हैं अभी, तो हम लोगों ने देखा कि एग्नेथा में हमारे ऑस्ट्रेकोडर्म के बाद आपका साइक्लोस्टोमेटा के बाद आपका जो प्लैकोडर्मी आया, प्लैकोडर्मी के बाद फिशेस। तो हम उसमें देखें कि आपका कॉन्ड्रिक्थिस से पहले जो किडनी का टाइप था दैट इज प्रोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। इट मींस कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारे हायर एनिमल की ओरिजिन हुई है वो प्रिमिटिव एनिमल से ही हुई है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हायर एनिमल में, बर्ड और मैमल में, सबसे पहले एम्ब्रियो में प्रोनेफ्रिक किडनी बनती है, फिर प्रोनेफ्रिक किडनी डीजनरेट होकर के मेसोनेफ्रिक, और फिर डीजनरेट होकर के मेटानेफ्रिक किडनी बनती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें व्हाट इज प्रोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। जो है पहले आइए हम प्रोनेफ्रिक किडनी की बात करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज प्रोनेफ्रिक किडनी। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, प्रो मीन्स प्रिमिटिव किडनी। तो दिस किडनी इज प्रेजेंट इन द लार्वा ऑफ एन एमनियोट फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो एन एमनियोट का मतलब आपका ऐसे एनिमल्स जिनके एग में एम्ब्रियोनिक लेयर, उसमें एग में नहीं पाई जाती, इस तरह के एग को हम लोग आपका जो है एन एमनियोटिक एग बोलते हैं। मीन्स आपके जो चार लेयर होती है, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइस, ये सब इस जो है आपके एन एमनियोट में नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रोनेफ्रिक किडनी के स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो दीज आर द, अगर हम एंटीरियर पार्ट की बात करें तो दीज आर नेफ्रोस्टोम, दिस ग्लोब्यूलर फॉर्म इज कॉल्ड प्रोनेफ्रॉन, ठीक है, इसको हम लोग प्रोनेफ्रॉन बोलते हैं। एंड दिस प्रोनेफ्रॉन इज कनेक्टेड विद द नेफ्रिक डक्ट, ये आपकी नेफ्रिक डक्ट है जो कि आपके यूरिन को कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करके फिर क्लोएका से
जो है बाहर रिमूव आउट कर देगी, मींस यूरेटर, और ये उसके बाद क्लोइका से बाहर कर देगी बॉडी से। तो अब हम बात करें आपका जो ये प्रोनेफ्रॉन, ये जो आपका प्रोनेफ्रॉन ट्यूब्यूल है, ये इंटरनली तो आपका नेफ्रिक डक्ट से कनेक्टेड है, आउटसाइड अगर हम देखें तो ये हमारे बॉडी के सीलोम से कनेक्टेड है। ये ग्रीन कलर से आपको ये बॉडी का, फिश की बॉडी का अगर हम बात करें या एम्फीबिया की बॉडी का सीलोम है, तो प्रोनेफ्रिक किडनी सीलोम से कनेक्टेड रहती है, ये बात आप याद रखिएगा। बट मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी सीलोम से कनेक्टेड नहीं होती है। तो प्रोनेफ्रिक किडनी आपकी सीलोम से कनेक्टेड होती है। देयर आर नंबर ऑफ ग्लोमेरुलाई, अगर हम बात करें तो ये आपकी जो बॉडी की आर्टरी और आर्टरीज हैं, या इफरेंट आर्टरी जो ब्लड को लाएगी, और इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है, बॉडी का वेस्ट मटेरियल, वो वेस्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है, मीन्स नाइट्रोजन का वेस्ट मटेरियल, वो आपका सीलोम से और बॉडी फ्लूइड से ले करके आपका नेफ्रिक डक्ट में, यानी कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो दिस देयर आर नंबर ऑफ ग्लोमेरुलाई दैट जो है कंबाइंडली फॉर्म द ग्लोमस, तो वो सब मिल करके यहाँ पे ग्लोमस बनाती हैं। तो रेड कलर से मैंने यहाँ पे आपको ये इफ्रंट और एफ्रंट आर्टरियो आपकी डक्ट दिखाई हुई है, और इसकी जो बाहरी कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल, इसको हम लोग वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वर्टिब्रेट किडनी में, जो हायर एनिमल की किडनी में देखते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये आपका ये नीचे डिसेंडिंग लिम्ब, फिर असेंडिंग लिम्ब, और उसके बाद फिर हम लोग का कलेक्टिंग डक्ट होती है डिजिटल एंड, और फिर कलेक्टिंग डक्ट में आपका यानी यूरेटर में यूरिन जाता है। बट अगर हम बात करें आपका यहाँ पे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसको वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो ये ग्लोमस है, ग्लोमस की जो आउटर डबल कवरिंग होगी वो आपकी जो है वुमेन्स कैप्सूल कहलाती है। तो अगर हम प्रोनेफ्रिक किडनी की बात करें तो ओनली वन और टू नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोनेफ्रिक किडनी। तो इट इज़ वेरी प्रिमिटिव टाइप, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपके कोई भी लूप ऑफ हेनले, जो कि आपके मैमल्स में पाए जाते हैं, अब हम बात करें बर्ड्स में पाए जाते हैं, लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट इन द प्रोनेफ्रिक किडनी। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल आप देख रहे होंगे कि ये ब्लड यहाँ से आएगा और सीलोम से कनेक्शन है, तो सीलोमिक फ्लूइड, बॉडी के सीलोमिक फ्लूइड और बॉडी के ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे आपका वो यहाँ पे आपका कलेक्ट कर लिया गया है विद द हेल्प ऑफ टू नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड प्रोनेफ्रॉन्स। ठीक है, आपका प्रोनेफ्रॉन या प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से कलेक्ट करके नेफ्रिक डक्ट में पोर आउट कर दिया गया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि प्रोनेफ्रिक किडनी का सीलोम से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ किडनी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप ऑफ किडनी इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द प्रोनेफ्रिक किडनी, मींस आपका मीजोनेफ्रिक किडनी इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द प्रोनेफ्रिक किडनी। बस यहाँ पे क्या है, आपका जो भी प्रोनेफ्रॉन्स बने हुए थे, तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम करके देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने यहाँ पे ये डैश डैश बनाया हुआ है, दीज डॉट 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 शो इंडिकेट रीजनरेशन ऑफ दिस प्रोनेफ्रिक किडनी। जब आप शुरुआत में इन एनिमल्स में अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके फिशेस, एम्फीबियंस, जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्टिस फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, उनमें उनके एडल्ट्स में मीजोनेफ्रिक टाइप किडनी पाई जाती है। इस मीजोनेफ्रिक टाइप किडनी को हम लोग ऑफिस्टोनेफ्रिक किडनी भी कहते हैं। ठीक है, द अनदर नेम ऑफ दिस मीजोनेफ्रिक किडनी इज ऑफिस्टोनेफ्रिक। तो आपका जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो एनएमनियोट के लार्वा हैं, एनएमनियोट के लार्वा में प्रोनेफ्रिक टाइप किडनी पाई जाती है, या अगर हम बात करें तो बहुत ही प्रिमिटिव ऑस्ट्रेकोडर्म, प्लैकोडर्म, जो आपकी प्लैकोडर्म ग्रुप था, जो प्लैकोडर्म क्लासेस थी, वहां पे आपका प्रोनेफ्रिक टाइप किडनी पाई जाएगी। अगर हम मीजोनेफ्रिक की बात करें तो फिश और एम्फीबिया के एडल्ट्स में मीजोनेफ्रिक टाइप किडनी पाई जाती है, इसे हम लोग ऑपिस्टोनेफ्रिक बोलते हैं। तो द मीनिंग ऑफ ऑपिस्टो इज द पोस्टीरियर, द मीनिंग ऑफ ऑपिस्टो इज पोस्टीरियर। ठीक है, ऑपिस्टो का मतलब होता है पोस्टीरियर, नेफ्रिक मीन्स आपका नेफ्रिक
के पीछे, मींस आपका प्रोनेफ्रिक के पीछे जिस भी नेफ्रॉन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अगर हम बात करें तो आपका प्रोनेफ्रॉन के पीछे जो भी नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डीजनरेट हो गया, दिस डीजनरेट पार्ट इज द प्रोनेफ्रिक पार्ट. तो आफ्टर द प्रोनेफ्रिक पार्ट, आफ्टर द डीजनरेशन ऑफ दिस प्रोनेफ्रिक पार्ट, बिहाइंड दिस प्रोनेफ्रिक another tubular development of nephron is called opisthonephron, ठीक है, posterior to pronephron, ठीक है, called opisthonephron. तो ये आपका opisthonephrons हैं. तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर मोर एडवांस एंड दे दीज opisthonephrons या दीज mesonephrons, mezo means बीच में, ठीक है. अगर हम बात करें तो प्रो और ये आपका मेटानेफ्रिक किडनी है, तो प्रो और मेटा के बीच में आपका आया मीजो, इसीलिए हम लोग इसको मीजोनेफ्रिक किडनी बोलते हैं, क्योंकि ये आपके बीच में डेवलप कर रही है, ठीक. तो यहाँ पे आपका क्या है कि सीलोम से इसका कनेक्शन नहीं रहता, आप इस बात को लिख लीजिए, सीलोम का, सीलोम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोनेफ्रिक किडनी, बट सीलोम इज नॉट कनेक्टेड विद द मीजोनेफ्रिक किडनी एंड मेटानेफ्रिक किडनी. आपकी सीलोम मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी से कनेक्टेड नहीं होती है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इज 10 to 50, ठीक है, 10 से लेकर के 50 नेफ्रॉन यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं बिहाइंड द प्रोनेफ्रॉन. मीजोनेफ्रिक किडनी इज द सीरियल अरेंजमेंट ऑफ द नेफ्रॉन. द ट्यूबुलर नेफ्रॉन इज नॉट सीलिएटेड इन मीजोनेफ्रिक किडनी, बट देयर आर द प्रॉपर जो है नेटवर्किंग ऑफ ग्लोमेरुलाई. यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलाई की नेटवर्किंग शुरू हो रही थी, ठीक है, दोनों आपने देखा कि दोनों ट्यूब्यूल की कोई भी प्रॉपर जो है कनेक्टिंग नहीं थी, कनेक्शन नहीं था, बट अगर हम बात करें तो मीजोनेफ्रिक किडनी में आपका ग्लोमेरुलाई का प्रॉपर कनेक्शन है. तो एक फिगर से हम यहाँ पे देखेंगे, जो फिगर मैंने आपको दिखाया हुआ है सेम ऐसा ही, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका इस तरीके से वोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होगा एंड आफ्टर दिस वोमेंस कैप्सूल देयर आर डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस डिसेंडिंग लिम्ब इज नॉट टू लार्ज, ये बहुत लंबी नहीं है एंड डायरेक्टली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक आपका प्रॉक्सिमल लिंब हो गया, एक आपका डिजिटल लिंब हो गया, ठीक है. आप बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो आपका मीजोनेफ्रिक किडनी में जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है इट इज वेरी सिंपल एंड डिवाइडेड इंटू टू पार्ट ऑनली, प्रोनेफ्रॉन एंड सॉरी आपका डिजिटल इंड एंड प्रोक्सिमल इंड एंड डिजिटल इंड मींस एंटीरियर एंड प्रोक्सिमल इंड का मतलब शुरुआती भाग और पीछे का भाग. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इट इज डिवाइडेड इनटू टू, ये दो भागों में जो है बटा हुआ है इस तरीके से, ये कलेक्टिंग वाला हो गया. तो ये आपका प्रोक्सिमल इंड हुआ, ये आपका डिजिटल इंड हुआ, ये प्रोक्सिमल इंड एंड डिजिटल इंड, प्रोक्सिमल इंड डिजिटल इंड. तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एंड प्रॉपर ग्लोमेरुलस कनेक्शन प्रेजेंट हेयर, प्रॉपर ग्लोमेरुलाई कनेक्शन प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ किडनी. तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो भी इफ्रेंट आपकी आर्टरी ब्लड को लेकर के आएगी और एफ्रेंट कैपिलरी लेकर के जाएगी. तो सेम एज हियर, तो यहाँ पे जो आपकी कैपिलरी का कनेक्शन है वो ईच सभी सारे नेफ्रॉन्स के साथ अलग अलग है और वो सारे नेफ्रॉन को अपना वेस्ट मटेरियल दे रही हैं, बट प्रोनेफ्रॉन में ऐसा नहीं था. यहाँ पे ये सीलोम से कनेक्टेड थी, जो भी वेस्ट मटेरियल था सीलोम में ही देते थे और जो भी आपके यहाँ पे नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स थे उनके पास सीलिया था और सीलियरी मूवमेंट से फिर इसको कलेक्ट किया जाता था, बट नो सीलिया प्रेजेंट इन द मीजोनेफ्रिक किडनी. तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका बिल्कुल एंड द एंडिंग ऑफ, अगर हम बात करें आपका नेफ्रिक डक्ट के बिल्कुल एंड पे, ठीक है, तो इतने पार्ट में अब हम इतने पार्ट हमारा जो प्रोनेफ्रिक किडनी का और मीजोनेफ्रिक किडनी का था वो डिजनरेट हो जाएगा इन द हायर बर्ड एंड मैमल, ठीक है. तो रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल में ये आपका जो है पूरा डिजनरेट हो जाएगा, मींस उनके लार्वा में तो आपका प्रोनेफ्रिक मीजोनेफ्रिक किडनी बनेगी, बट आफ्टर द डिजनरेशन एट द एंड ऑफ कॉडल, अगर हम बात करें बिल्कुल पीछे की तरफ एंड लास्टली अपीयर, तो ये सबसे लास्ट में अपीयर होंगे और जो भी हम बता रहे हैं आपको कि एडल्ट होंगे वो चाहे आपके रेप्टाइल के, बर्ड के और मैमल के, उसमें ये एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं. तो बात अगर हम करें यहाँ पे डेवलपमेंट की, तो जो आपका मेल होगा मीन्स आपका जो मैमल्स में मेल होंगे या आपके बात करें बर्ड्स में मेल या हम बात करें आपका
तीनों क्लासेस की, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल के, जो मेल वाला मेल ऑर्गेनिज्म होगा, मेल ऑर्गेनिज्म में आपके जो मीजोनेफ्रॉन होते हैं वो मीजोनेफ्रॉन आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं, बट फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल ऑर्गेनिज्म में आपका मीजोनेफ्रिक किडनी जो है वेस्टिजियल हो जाती है, ठीक है, पूरी ये वहाँ पे नॉन फंक्शनल होती है इन द फीमेल। तो जब हम आपको किडनी के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, वर्क के बारे में पढ़ाएंगे, तब हम वहाँ पे डिटेल में बताएंगे, आज हम केवल टाइप्स ऑफ किडनी की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने इसी को इनलार्ज करके बनाया हुआ है। द पोजिशन ऑफ दिस मेटानेफ्रॉन्स इज द कॉडली इन द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल पीछे की तरफ, एट द एंड ऑफ जो है एट द एंड ऑफ नेफ्रिक डक्ट, ये आपकी नेफ्रिक डक्ट है, ब्लैक कलर से जो नीचे की तरफ गई है, दिस इज द नेफ्रिक डक्ट, नेफ्रिक डक्ट के बिल्कुल एंड पर पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो ये इनलार्ज करके मैंने ये यहाँ पे फिगर को बनाया हुआ है, तो आपके दोनों तरफ बॉडी के दोनों तरफ, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये आपके राइट साइड में भी प्रेजेंट है, ऐसा ही आपके लेफ्ट साइड में भी होगा। तो ये आपका एक फंक्शनल किडनी मैमल्स में, हायर ऑर्गेनिज्म में बात करें रेप्टाइल बर्ड मैमल में राइट साइड में हो जाएगी, एक ही किडनी आपकी लेफ्ट साइड में हो जाएगी। एंड 1 मिलियन, लगभग 1 मिलियन, 1 लाख नेफ्रॉन्स की अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख नेफ्रॉन आपके डेवलप हो जाएंगे इन मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। तो मेटानेफ्रिक किडनी में लगभग 1 लाख नेफ्रॉन डेवलप होते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस डॉटेड स्ट्रक्चर शोज द डीजनरेशन ऑफ दिस मीजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। तो ये मीजोनेफ्रिक और प्रोनेफ्रिक किडनी का डीजनरेशन है, और आपका जो ये यूरेटिक बर्ड बना, ठीक है, यूरेटिक बर्ड ही आपका जो है किडनी कहलाता है इन द हायर एनिमल, दैट हायर एनिमल इज आपका अगर हम बात करें तो रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल, ठीक है, रेप्टाइल बर्ड और मैमल में। तो हम आइए स्ट्रक्चर को देखें इसके, मेटानेफ्रिक किडनी के नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात अगर कर लें तो यहाँ पे आपका जो नेफ्रॉन है दैट इज कम्प्लीटली डेवलप्ड, ये आपका वोमेंस कैप्सूल होगा। हम एक एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, जो ये एक केवल इस तरीके की लाइनिंग है, ये दीज आर दीज रेड कलर लाइनिंग इज कॉल्ड डॉटेड डॉटेड जो दिख रही है, ईच आर नेफ्रॉन्स, और ये नेफ्रॉन की संख्या लगभग मिलियंस में होती है, लाखों में होती है। और एक जो है हम यहाँ पे एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी का सीलोम से कनेक्शन नहीं होता है, ठीक। अब हम जो है बात करेंगे स्ट्रक्चर की नेफ्रॉन की, तो इस तरीके से ये तो ये इसका हो गया वोमेंस कैप्सूल, एंड दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, ये आपका असेंडिंग लिम्ब हुआ, और ये आपका डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये फिर जाकर के डक्ट में इस तरीके से अपना जुड़ जाएगा। तो ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट हो गई नाउ। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से आपकी एफरेंट और फिर ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाएंगी, तो एफरेंट आर्टरी ब्लड को लेकर के आएगी, एफरेंट आर्टरी ब्लड को ले जाएगी, ये वोमेंस कैप्सूल हो गया। तो देयर आर अनदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, एंड लूप ऑफ हेनले इज ओनली प्रेजेंट इन द मेटानेफ्रिक किडनी। लूप ऑफ हेनले केवल आपके मेटानेफ्रिक किडनी में प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले का जो वर्क होता है इट कंसंट्रेट, ठीक है, अगर हम बात करें तो इट कंसंट्रेट द यूरिन, ये यूरिन को कंसंट्रेट कर देता है, मीन्स उसमें से वाटर की जो वाटर का अमाउंट रहता है, वाटर के अमाउंट को रिमूव कर देता है। तो ये लूप ऑफ हेनले का जो स्ट्रक्चर था वो आपकी मीजोनेफ्रिक किडनी के नेफ्रॉन्स में, मीन्स ऑपिस्टोनेफ्रिक किडनी के नेफ्रॉन्स में नहीं प्रेजेंट होता है, ना ही प्रोनेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट ऑनली द जो है आपका बर्ड एंड मैमल्स, तो हम बात करें आपके ये रेप्टाइल बर्ड और मैमल में ही केवल पाया जाता है। और मैमल में भी अगर हम बात करें तो ये लगभग मैमल में लूप ऑफ हेनले सबसे ज्यादा लंबा होता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले की जो आपकी लंबाई होती है वो मैमल्स में सबसे ज्यादा लंबी होती है इन कंपैरिजन ऑफ बर्ड, अगर हम बर्ड में देखें तो बर्ड से ज्यादा। बर्ड के अगर यूरिन कंसंट्रेशन की बात करें तो बर्ड का जो बॉडी का यूरिन का कंसंट्रेशन होता है वो लगभग 2 से 4 गुना होता है, मतलब ब्लड, अगर बर्ड के ब्लड से यूरिन लगभग 2 से 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। जबकि अगर हम ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन का जो यूरिन होता है वो ह्यूमन के ब्लड से लगभग 4 से लेकर 25 गुना तक कंसंट्रेटेड हो सकता है, ठीक है। सो लूप ऑफ हेनले इज वेरी डीपर, वेरी लार्ज,
इन मैमल्स. मैमल्स में ये बहुत लार्ज होता है. एंड लूप ऑफ हैनले की अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये आपका जैसे हम लोगों ने मीजोनेफ्रिक किडनी में देखा था, मीजोनेफ्रिक किडनी में जो आपका नेफ्रॉन था, दैट नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज प्रॉक्सिमल इंड एंड डिजिटल इंड. बट इन द मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है. सबसे पहले आपका जो है प्रॉक्सिमल इंड, फिर मिडिल इंड, ठीक है, एंड डिजिटल इंड. तो ये बीच में जो मीडियन इंड आया, मीन्स लूप ऑफ हैनले आया, ये इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है. तो यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं, इसको हम लोग इंटरमीडिएट इंड भी बोलते हैं, मीन्स प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट एंड डिजिटल. ठीक, होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी. तो होप सो आपको यहाँ पे तीनों टाइप की किडनी, जो आपकी प्रोनेफ्रिक किडनी है, मीजोनेफ्रिक को ही हम लोग ऑपिस्थोनेफ्रिक बोलते हैं. ऑपिस्थो मीन्स पीछे, तो प्रोनेफ्रॉन के पीछे का डेवलपमेंट आपका ऑपिस्थोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक कहलाता है. एंड कॉडली सबसे आखिरी में, कॉडली एट द एंड ऑफ जो है आपका नेफ्रिक डक्ट, नेफ्रिक डक्ट के बिल्कुल आखिरी में जिस किडनी का डेवलपमेंट होता है, दैट किडनी इज कॉल्ड मेटानेफ्रिक किडनी. और अगर हम बात करें आपका जो भी आपके ये डीजनरेटिंग स्ट्रक्चर हैं, मीन्स आपके मीजोनेफ्रिक किडनी का जो डीजनरेटिव पार्ट था, मेल पार्ट में उससे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है. बट अगर हम रेप्टाइल बर्ड और मैमल में जबकि हम बात करें, तो रेप्टाइल बर्ड और मैमल के फीमेल में जो है वो नॉन फंक्शनल होता है, वेस्टिजियल होता है. तो अगर आपको इस किडनी के इस टाइप्स में कोई भी समझने में दिक्कत आई हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा. इसके नोट्स के लिए आप मेरा जो है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें. टेलीग्राम लिंक में मैं अपने जो है नोट्स को प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप डिटेल में इसको लिख सकें. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.